प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 दिसंबर को फर्टिलाइजर के खाद कारखाने के लोकार्पण कार्यक्रम में आगमन के मद्देनजर ड्यूटी में लगाए गए जिला एवं पुलिस कर्मियों को रविवार को योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में एडीजी जोन द्वारा ब्रीफिंग किया गया। इस दौरान डीआईजी जे रविंद्र गौर, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉ विपिन ताडा, एसपी क्राइम डॉ एमपी सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी और ड्यूटी में लगाए गए पुलिस के जवान मौजूद रहे। ब्रीफिंग के दौरान सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को उनके ड्यूटी के संबंध में जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि अपनी ड्यूटी के दायित्वों का निर्वहन करते हुए उसको ईमानदारी के साथ पालन करें और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराएं। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की व्यवस्था में कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, जिससे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। जोन और प्रदेश के आए हुए सभी अधिकारियों का, सभी मजिस्ट्रेट, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जी और के द्वारा की एसएसपी एलिमेंट के नाम से जाना जा रहा है और 13 बजे बेल्लू पर आ जाएंगे। 1 बजे से लेकर 2:30 बजे प्रस्थान है फिर गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए और 14:55 पे गोरखपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। कुल मिला के 12:25 से 14:55 तक इस जनपद में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का यहाँ पर स्टे है। अधिकारियों की ड्यूटी का विवरण निम्नवत है। श्री अवधेश कुमार विजेता सहायक सेना है। एयरपोर्ट के आउटर गार्डन में आपकी ड्यूटी है। आउटर गार्डन श्री जगदीश पाल सीओ आलापुर, श्री राधारमण सिंह सीओ दलिया, श्री शक्ति सभी साथी अधिकारीगण, साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपसे आपको ब्रीफ करना था। सभी अतिथियों के साथ प्रोफेशनल दिखना चाहिए और सद्भाव के साथ हमें बर्ताव दिखाना चाहिए। कहीं अभद्र भाषा ना या कहीं पे अनावश्यक टिप्पणी, कहीं पे कोई रिकॉर्डिंग या अन्य चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्वागत करें, उत्सव का माहौल से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही बृहद कार्यक्रम है, हमारे जनपद के लिए गौरव के। जहाँ से लोग चल के जा रहे हैं वहाँ एक कॉर्नर में लोग चले, कोई अनहोनी घटना ना हो, सड़क के पट्टी